प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालातों के बीच डीआरडीओ ने एक ऐसी दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है जो पाउडर की तरह है और कोरोना संक्रमण का काम तमाम करने की ताकत समेटे है। इसका नाम है 2DG। इस दवाई पर बात करने से पहले आपको बताते हैं भारत में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति क्या है। रविवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,86,000 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है जबकि 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई है। भारत में कोरोना के संक्रमण के कुल मामले 2,22,00,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसमें 1,83,00,000 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कुल मौतों का आंकड़ा 2,00,000 से ज़्यादा है जबकि एक्टिव केस की संख्या 37,36,000 के करीब है। वैक्सीनेशन की बात करें तो 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बात करते हैं 2DG दवाई की जिसे DRDO ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। DRDO के परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान ने डॉक्टर रेबीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर 2DG दवाई बनाया है। यह दवा मरीजों के रिकवर होने के दौरान उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करता है। इस दवाई को लेने वाले जल्दी ठीक हो रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं के बराबर हो रही है। कहने का मतलब है कि देश में ऑक्सीजन संकट के बीच इस दवाई के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी कहीं ना कहीं मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। 2DG दवाई के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे काफ़ी संतोषजनक मिले हैं। इस दवाई से रिकवर होने की गति तेज हो जाती है। जिन कोरोना संक्रमितों को यह दवाई दी गई उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने में औसत से कम दिन लगे हैं। यह दवाई पाउडर फॉर्म में है जिसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है। इस दवाई का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं कोरोना संकट से निपटने में काफ़ी सहायक भी होगा। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।